अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं कहीं जा रही हूँ तो वो आपको मेरे ब्लॉग देखने के बाद पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आए मेरे साथ और मेरे ब्लॉग को देखें और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी आप पता करो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आए देखें, तो ये देखें। और मैं अपनी बिल्ली को खिला रही हूँ। जाने से पहले सोची कि अपनी बिल्ली को भी देख लूँ, खिला लूँ। माशाल्लाह मेरी मार्शेला। तो यहाँ पे देखो मैं कैट के साथ खेल रही। और ये देखे बेटा मेरा, सामान मेरा जो पैक किया हुआ सामान था वो बेचारा ले जा रहा है। बहुत काफ़ी भारी था, कम से 25 किलो का है ये वेट। तो ये ले जा रहा है बेटा मेरा, और माशाल्लाह। और छोटा बेटा मेरा, छोटे बेटे को तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे जाने से पहले 2 दिन, और उसके बहुत फीवर आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं टेंशन में भी थी कि मुझे छोड़ के जाना है। यहाँ पे देखो मैं बिल्ली को खिला रही हूँ, जाने से पहले अपनी कैट मार्सेला से मिल रही हूँ, लेकिन इसे कुछ एहसास नहीं है मेरे जाने के बाद। मतलब इसे क्या लगेगा। ये मेरा बेटा बीमार था, इसको मैं समझा रही थी कि कुछ भी होगा तो हम लोग, मैं जा रही हूँ, हम लोग नहीं, मैं जा रही हूँ, कहीं तो जा रही हूँ, रास्ते में मिलती हूँ, रास्ते में हम लोग। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना। ओके चलो चलो चलो, तुमने क्या, हम सीढ़ी से जा रहे हैं, लिफ्ट से। तो यहाँ पर मैं टैक्सी पे जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को मैं मना की थी कि नहीं तुम लोग नहीं जाओगे मुझे छोड़ने। ये मैं टैक्सी से गई। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। तो ये देखे मैं यहाँ पर आ गई, पहुँच गई हूँ यहाँ पर। और बहुत भीड़ था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लगा बोर्डिंग के टाइम, क्योंकि सामान मेरा 25 किलो का 25 केजी का हो गया था, और अब सऊदी एयरलाइंस में 23 केजी का ही सामान आप ले जा सकते हो। तो इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी सऊदी जा रहा है तो वो थोड़ा ध्यान दें सामान लगेज के लिए, कि वो अपने परफेक्ट लगेज ले जाएँ, ज़्यादा ना ले जाएँ। 2 किलो ज़्यादा था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा इधर उधर करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर मतलब अब क्या है कि उमरा खुल चुका है, लोग उमरा करने लोग जा रहे हैं, तो बहुत भीड़ थी उमरा के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग उमरा करने वाले बहुत लोग जा रहे थे। तो पूरी मतलब एक ज़्यादातर उमरा करने वाले ही लोग एयरपोर्ट पे दिख रहे थे। माशाल्लाह ये देखें, सब उमरा करने वाले लोग हैं, लोग दिल्ली से जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा देखने में। माशाल्लाह ये देखें, लोग बैठे हैं। देखो मैं कुरकुरे खा रही हूँ, कुरकुरे मुझे बहुत पसंद है। मतलब चिप्स उतना नहीं पसंद है जितना मुझे कुरकुरे पसंद है। यहाँ पर बोर्डिंग लाइन शुरू हो गई है, अभी तो अब लाइन में लगे हैं बोर्डिंग जाने के लिए अंदर, तो इंटर करने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे सर, बहुत ज़्यादा लाइन थी। ये देखिए हम, अब मैं नीचे जा रही हूँ फ्लाइट के लिए। ये कारपेट तो 10 साल से मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यही कारपेट मैं देख रही हूँ, 10 ईयर से जब भी आती थी यही कारपेट है। तो अब मैं फ्लाइट पे अंदर बैठ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना सीट ले चुके हैं हम, और लोग अभी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी बोइंग होती है सऊदी एयरलाइंस की ये फ्लाइट, बहुत माशाल्लाह बड़ी। तो सब फुल थी, पूरी फुल फ्लाइट जा रही है माशाल्लाह। और तो ये
फ्लाइट टिक ऑफ हो गई और माशाल्लाह देखें बाहर का व्यू टिक ऑफ होने का। इसके बाद ये देखें कुछ देर के बाद हम लोग का फ्लाइट पे खाना आ गया दोपहर का लंच। तो मैं वही देख रही थी लंच में क्या क्या आया है। तो ये मीठे में ये खीर था और रोटी है, आलू की पूरी टाइप की रोटी है। और ये मेरे बगल में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर राइस भी था, चिकन राइस भी, सैलेड, तो खाने में ठीक था। अब हम जद्दा पहुंचने वाले हैं। तो देखिए हम जद्दा पहुंच गए और हस्बैंड मुझे लेने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हस्बैंड की खुशी और मेरी भी खुशी। बहुत दिन के बाद, 4-5 महीने के बाद हम फिर वापस सऊदी आए, माशाल्लाह। ये देखिए ये मेरी न्यू कार, ब्लैक कलर की, क्योंकि जब मैं सऊदी चली गई थी तो हस्बैंड मेरे ये न्यू कार लिए थे, मैं नहीं देख पाई थी और फर्स्ट टाइम मैं अब इस कार पे बैठूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कार देखने में तो अच्छी लग रही थी, अंदर से भी अच्छी होगी। फर्स्ट टाइम देखे, ठीक है जगह तो वैसे ही। हाँ जगह काफ़ी है डिग्गी में। वाह डिग्गी में काफ़ी जगह है ना, उस वाली में छोटी थी वाली डिग्गी। नहीं, ये बड़ा है डिग्गी, देखो ना अंदर तक कितना जगह है। तो ये देखो, ये फर्स्ट टाइम हम इस गाड़ी पे बैठने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह। देखते हैं ये गाड़ी कैसी है। वो गाड़ी बैठने में भी अच्छी थी, कंफर्ट हाँ। था। वो पुरानी और न्यू गाड़ी में फर्क तो होता है, तो बस अच्छी थी गाड़ी। ये हम लोग पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं अब। ये देखो हस्बैंड से मिलो भाई, बेचारे पसीना पसीना हुआ अभी। एक ही दिन पहले गया ना। तो देखो अब हम लोग आ गए सऊदी, अभियान पे जा रहे हैं। कैसा रहा इतने दिन अकेले? कोई नहीं, अभी एक नई गाड़ी ली होंगे, गए नई गाड़ी आराम से चलाए हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। ये मेरा आज फर्स्ट डे पेट्रोल पंप का चाय होने वाला है आज। तो बस 5 घंटे भाई फ्लाइट में बैठ के इंसान क्या थक जाता है, थकान तो हो गई, लेकिन अब देखो यहाँ फिर 3-4 घंटे फिर लगेंगे यान बुझाने में यहाँ से। ये देखिए फर्स्ट डे का सऊदी का चाय, और ये कुछ खाने में है, रोटी है। तो अब चाय वाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं। देखो हस्बैंड आ रहे हैं, ये बेचारे अब इनका काम शुरू हो गया है, बड़े आराम कर लिए 3-4 महीने। बोले आपका 3-4 महीने आराम कर लिए, अब आपका काम शुरू हो गया। शुरू हो गया आपका काम। अब पावर प्लांट, ये यानबू का पावर प्लांट दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ हस्बैंड मराफिक पावर प्लांट में काम करते हैं। वो भी मराफिक पावर प्लांट यहीं पर है, इसी लाइन में है ये जो दिख रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा। पूरी एक तरफ इस एक लाइन से ही पूरा प्लांट है हर चीज। ये हम लोग यानबू पहुंच गए हैं। सारी गाड़ी चला चला के थक जा रहे हैं। लगातार कितने 8 घंटे गाड़ी चलाए, लगातार नहीं लेने गए गए यहाँ से फिर ला भी रहे, तो 7 घंटे तो हो ही जाएंगे ना। 7 घंटे गाड़ी चलाना आसान नहीं है। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।